गाड़ी ऑन होते ही सबसे पहले जो मेन चीज लगवाई है मैंने वो लगवाई थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा ठीक है बर्ड व्यू देखो देखो मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है साइड में सब दिखा रहा है देखो ये छोटा सा चीज भी दिखा रहा है या, मैंने दबाया लॉक का बटन अब देखो सबसे पहले ये फोल्ड होंगे फिर ये वाला शीशा वो जाएगा ऊपर फिर उधर वाला शीशा ऊपर जाएगा और उधर वाला शीशा ऊपर जाएगा और लास्ट में ये वाला शीशा ऊपर जाएगा अब इसकी हाई बीम वो देखो भाई साहब क्या थ्रो है भाई साहब गुड मॉर्निंग गा वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने गाड़ी में कराई है। so, देखो ये बेस था, इसे मैंने लग वो, वो भी, लग रहे थे। भी नहीं थे लेकिन हाँ मुझे एक, इसका नक्स ऑन का इतना फास्ट है मुझे लगता नहीं रियर रेसिवेंट की नीड थी वो तो कहीं भी लगा सकते हैं बाकी आप देखो अभी ऐसे लग रही है गाड़ी मैं इसका पुराना एक फोटो डाल दूंगा जिसमें नॉर्मल बेस मॉडल वाली भी थी तो आप कंपेयर के लिए आसानी होगी तो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से मैंने क्या क्या लगाया है तो पहले आगे की बात कर लेते हैं ये लगाए है मैंने फॉग लेम्पस ये है नाइन्टी वाट्स ये एक हाई बीम पे इस पर है नाइन्टी वाट्स और ये है वन फिफ्टी वाट और मैं सच बता रहा हूँ इसका थ्रो इतना तेज है आपको हाई बीम की ज़्यादा नीड भी ना पड़े बहुत ही अच्छा हुआ है और हाई बीम इसका ए वन है मैं लिटरली बताता हूँ और देखो बाकी आगे से आगे से ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंज हुए नहीं है मेन चीज़ जो मैंने साइड से कराई है मैं आपको साइड से दिखाता हूँ फोल्डेबर ओ आर वी एम्स जैसे ही आप इसे अगाड़ी अनलॉक करते हो दोनों वो अनफोल्ड और जैसे ही आप लॉक करोगे ये फोल्ड हो जाएंगे दूसरा मैंने एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा लगाई है वो है आपके देखो ये गेट पे पियानो ब्लैक ये बहुत कूल से लगते हैं ये दोनों बिल्कुल बाहर आपके कवर की तरह चिपक जाते हैं ईजिली दूसरा देखो मैंने ये साइड में लगाए व्हील कवर्स अंदर से पहले मैंने पेंट करवाया पूरा फिर मैंने व्हील कवर्स लगवाए तो देखो इस तरीके से क्या प्यारा लुक आ रहा है एलॉइज वाला पूरा फील देता है ये साइड में मैंने ये आई पॉप के ओरिजिनल आई पॉप के मैंने ये डोर गार्ड जिससे ये फ़ायदा रहता है कि कभी भी यहाँ पे मेरे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते दूसरा मैंने ये डोर वाइजर लगाए हैं और ये बिल्कुल ब्लैक रखे मैंने इसलिए क्योंकि इसके लुक के साथ फील आ रहा था इसमें देखो क्रोम वाले भी मिलते हैं लेकिन अब मेरा सजेशन है अगर आप इस तरीके का कलर लेते हो आप क्रोम मत लगाओ और क्रोम में एक दिक्कत भी आती है ख्याल से उसमें थोड़ा शाइन बार बार आपको फिर उससे रबिंग करवाना पड़ेगा इसमें दिक्कत ही नहीं इसमें आपको बस एक बार लगा लिया फिर भूल जाओ और देखो किसी तरीके से फिट एंड फिनिशेज इसकी परफेक्ट फिर मैंने ऊपर लगवाए ये रूफ रेल्स देखो रूफ रेल्स लगाते ही ना आपकी गाड़ी की कहते हैं ना कि शक्ल ही चेंज हो जाती है और बड़ी बड़ी ल, गाड़ी लगने लगती है रूफ रेल्स के बहुत फ़ायदे होते हैं तो रूफ रेल अच्छा लगाना हो अच्छी क्वालिटी का लगाना अच्छी क्वालिटी का मेरा मतलब है देखो ये बिल्कुल एच टू एच जाएँ बिल्कुल जैसे कंपनी से आते हैं और मैं सब बताता हूँ आजकल आप बाफ्टर मार्केट देखोगे तो कोई यहाँ से चालू होंगे और यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन ट्राई करना जब भी आप जाओ पहले आप उसे बिना चिपका एक बार अटैच करके देख लो कि पूरे आपको वो फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे नहीं तो आपको थोड़ा सा और लुक लगेगा साथ में मैंने लगाया है शार्फिन एंटीना ऐसा बहुत कूल लगता है शाफिन एंटीना अब मैं आपको बाकी बताता हूँ बाकी मैंने जो बाहर बाहर से कराया है सिर्फ यही वाला काम कराया पीछे देखो मैं और चीज़ें भी करवा सकता था मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लगवा सकता था ये और यहाँ पर भी मैं ऑब्वियसली बैट्रिक्स लगा सकता था एक एक यहाँ पे भी एक बूट लाइट आती है वो लगा सकता था बूट लाइट तो नहीं बेसिकली एक लाइट रहती है पीछे से लेकिन उसमें मेरे को ये कर लगा कि वो मेरे को लगता है कि उसकी ना वायरिंग वगैरह थोड़ी पतली होती है तो मुझे लगता है कि नहीं वो खराब भी हो सकते हैं मैं चाहता नहीं कुछ अगर भी थोड़ा टाइम होने के बाद ये चीज़ें खराब हो जाए और सा लुका है तो मैंने जितना सिंपल रख सका मैंने उतना करा है मेन काम करा है मैंने इंटीरियर का अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ आप लिटरली फैन हो जाओगे दिखाता हूँ मैं आपको इंटीरियर गाड़ी अनलॉक करी पहले तो ओ आर वी एम सेट हुए अब देखो गाइज बिल्कुल ग्रीन कलर के मैंने ग्रीन और ये ड्यूल शेड में मैंने ये सीट कवर डलवाए हैं और पूरा पकेट फिट और थाइस से बोर्ड देखो कितना अच्छा है इसमें और पूरी गाड़ी से और देखो मैंने स्टेयरिंग भी इसी चीज से रैप कराया है बिल्कुल ड्यूल कलर में साथ में देखो आप खुद देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है आप पहले देखोगे तो पूरी ब्लैक आती है गाड़ी पूरी ब्लैक पूरी उसमें और उसमें वो वाला जो इसके ट्राइंगर पैटर्न रहते हैं वैसे वाला रहता है लेकिन अब देखो कितना ही प्यारा लग रहा है देखो और आगे आपको पता ही है बेस मॉडल में दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं साथ में देखो मैंने स्टेयरिंग कंट्रोल्स लगवाए हैं और साथ में ये चार चौंसठ की मैट्रिक्स कंपनी की एंड्रॉइड साथ में मैंने ये पूरा पैनल चेंज करवाया है पूरा पैनल चेंज करवा के टॉप मॉडल वाला लगवाया विद स्लाइडर देखो और ये इसका वो आपका आर्म रेस्ट बस मैं मैं ये कहता हूँ कि ये आप टाटा का टॉप मॉडल भी ले लो इसका आर्म रेस्ट है ना थोड़ा और कुछ नहीं होता तो मज़ा आता लेकिन हाँ मैंने इसका भी कलर चेंज करवाया इसी चक्कर में जिससे पूरी गाड़ी एक ही कलर की हो जाए साथ में देखो साथ में मेन दिखाता हूँ आपको पहले गाड़ी ऑन कर लेते हैं और मैंने ये फ्लिप की भी बनाई है जो की बेस मॉडल में आपको पता लॉक नहीं आती तो मैंने आर कंपनी की वो लगाई है जिसमें तीन साल की वारंटी मिली करते हैं इसे ऑन देखो गाड़ी ऑन होते ही सबसे पहले जो मेन चीज लगवाई है मैंने वो लगाई है थ्री डिग्री कैमरा मैं आपको इसकी प्लेसमेंट दिखा देता हूँ थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा की कहाँ कहाँ हुई है वेट पहला कैमरा यहाँ पे दूसरा कैमरा यहाँ पे तीसरा कैमरा और चौथा कैमरा आपका ये रहा। और मैं सच बताता हूं इतना प्यारा बर्ड व्यू आता है इसमें बर्ड आई व्यू मैं आपको दिखाता हूं देखो। जैसे ही आपने गाड़ी में बैठे, सबसे पहले थ्री सिक्सटी कैमरा ऑन होता है और देखो क्या ही प्यारा लग रहा है देखो और रुको एक सेकेंड पहले एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ये देखो पूरा बर्ड व्यू आ रहा है और क्वालिटी देखो कैमरा की और ये पियर सक्सेस इसलिए आया था इसमें वायरलेस ऑटो और एप्पल कारप्ले है और देखो झट कनेक्ट हो जाता है कनेक्ट करते ही देखो आपका आ गया है एप्पल कार प्ले वो बहुत ही जल्दी कनेक्ट होता है जैसे ही आप कार में बैठोगे झट कनेक्ट हो जाएगा और देखो ये सारी एप जो आपको इसमें मिलती है परफेक्टली वर्क करती है कोई प्रॉब्लम नहीं आती और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे ये देखो कितना स्मूद है यार ये देखो ये देखो मैं पूरा कर रहा हूँ कुछ दिक्कत नहीं आ रही है आप कोई भी एंड्रॉइड ले लो मैं आपको बहुत बताता हूँ चार जीबी का लेना मैं इसके लिए कह रहा हूँ थोड़ा ए ऑन कर लेते हैं गर्मी से करिए उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना दो जीबी वाला तो एकग ही होना लगता है। आप ये चार टाइप तो कभी लैग नहीं होगा हाँ, एक याद आप कोई भी एंड्रॉइड ले लो जैसे आप वायरलेस कंपनी का भी ले लो वो भी लैग करता है वो बहुत हल्का सा इसमें बहुत ही हल्का लैग करता है लेकिन बाकी बहुत ज्यादा ये देखो इसमें विथ और ये भी विथ डीएसपी है आराम से आराम से देखो यहाँ पे मैं सारी इसकी वो चीज वो कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें काफी चीजें ये देखो ये देखो और ये इसका मेन वो और 360 सिक्सटी व्यू तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा पूरा कैमरा ये मेरे दोनों तरफ के व्यू आ गए ठीक है बर्ड व्यू देखो।, देखो देखो मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है साइड में सब दिखा रहा है देखो ये छोटा सा चीज भी दिखा रहा है यहाँ पे एक आ, कंटेनर पड़ा हुआ है प्लास्टिक का वो तक दिखा रहा है और देखो कितना अच्छे से दिखा रहा है सबसे बड़ी बात और ऐसे आप छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो सब कर सकते हो इसे बैक करते हैं देखो ये आ गया आपका फ्रंट का लुक देखो कितना ही ज्यादा अच्छा है ये आ गया आपका बैक का लुक इसमें भी दो देखो तीन मोड है आराम से इसमें भी देखो तीन मोड है ये देखो आपका देखो कितने ही अच्छे मोड्स हैं इसमें भी तीन मोड हैं देख लो ये देखो अब इसमें भी साइड का आ गया इसमें भी तीन मोड है ये आ गया जैसे जब ने हजार लाइट ऑन करते हैं तो ये दोनों आ जाते हैं दोनों तरफ के ये आ गया आपके आगे का फिर से और यहाँ पे आपकी बेसिकली क्या है कि आप ना इसमें यहाँ पे एक पेन ड्राइव पे वो दे रखा है देखो ये तो आप इस पे आप पेन ड्राइव लगाओ और अपनी आपकी चारों की रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी तो आप सिक्सटी फोर जीबी तक सपोर्ट करता है तो आप सोचो यार आपको डैश कैम की नीड नहीं है आराम से लगाओ और आपको पता ही है कितना फायदा होता है इस चीज का ओहो और मेरी एक सजेशन है मैं आपको एक सजेशन देता हूँ तो बेसिकली जब भी आप लो तो आप वायरलेस एंड प्ले वाला लेना। उसका सबसे बड़ा देना पड़ेगा इसे। और अगर आपका वायरलेस ऑटो एंड्रॉय कारप्ले है तो दिक्कत ही नहीं है फोन के नेट से पूरा कंट्रोल होगा तो आप ये सोचो आप कितने उससे बचोगे बार बार क्या गाड़ी में बैठ के हॉटस्पॉट देते फिर हो क्या ऑब्वियसली आप खुद समझदार हो बाकी आपको दिखाता हूँ मैंने और क्या क्या लगवाया ये है चारो पावर विंडो आपको पता है टाटा में सिर्फ दो पावर विंडो आती है लेकिन यह चारो पावर विंडो है और फिर चाइल्ड लॉक मैं चाहू तो वो और देखो ये ऑर्डर रिले के साथ है नीचे हो गया अब देखो अपने आप और मैं चारों ऐसे ही कंट्रोल कर सकता हूँ देखो ये देखो खुद ही हो जाता है और सबसे अच्छा फीचर बताता हूँ सबसे अच्छा मुझे लगा मैंने ये ऑटो फोल्डेबल वो बनवाए एक टच पे फोल्ड एक टच पे अनफोल्ड राइट राइट right से ये वाला कंट्रोल सेट हो जाएगा लेफ्ट से ये वाला और दो चीजें जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो लगवाना चाहा और मैं लगा लिया एक तो पीछे का ये लाइट क्योंकि इसमें सिर्फ आगे लाइट आती है ठीक है और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली सीट से वेट हो गया ये चार्जर मैंने ये पीछे चार्जर लगवाया है क्योंकि भाई देखो इतनी नीड आती है एक गाड़ी में दो चार्जर तो होने चाहिए ठीक है तो अगर पीछे वालों को चार्ज करना है तो आगे से क्यों तार ले उनके लिए पीछे भी होना चाहिए महंगी चीज नहीं थी सिर्फ की चीज़ लेकिन को बस यही है कि मेरे को ना नीड नहीं लगी उस चीज एसी तो सच्ची में बहुत अच्छा लगाया नहीं और ये देखो ये लाइट लगाई है दिखाता हूँ क्या क्या लगवाया है मैंने क्या क्या लगवाया है देखो सबसे पहले पार्सल ट्रे ओरिजिनल में भी यही आती है और ये काफी सख्त है देखो दूसरा मैंने लगवाई है बूट लाइट ये रात में बहुत काम आती है यार और देखो इसका इस टाइप का बूट मिलता है बाकी पीछे से कोई चेंजेस नहीं है बस यही है यहाँ पे मैंने वैसे एक यहाँ पे एक वो आती है क्या बोलते हैं इसी तरीके मैट आप वो लगवा सकते हो लेकिन मेरे को फ्री में मैट मिली थी टाटा की तरफ से तो मैंने वही लगवा दी तो थोड़ा जुगाड़ तो चलना चाहिए जैसे देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसकी बेस्ट चीज जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है लेकिन कह नहीं सकता वो आफ्टर मार्केट है देखो मैंने ये चारो शीशे नीचे कर दिए ये भी पीछे नीचे कर दिए मैं ये गाड़ी कर देता हूं बंद ये बंद हो गई यहां पे मैंने दबाया लॉक का बटन अब देखो सबसे पहले ये फोल्ड होंगे फिर ये वाला शीशा वो जाएगा ऊपर फिर उधर वाला शीशा ऊपर जाएगा वो देखो फिर उधर वाला शीशा ऊपर जाएगा और लास्ट में ये वाला शीशा ऊपर जाएगा जब ये सारा काम हो जाएगा तब वो जो अंदर की लाइट्स हैं वो बंद होंगी तो ये पूरा काम आफ्टर मार्केट हुआ है और मैं लिटरली बताता हूँ ए वन काम हुआ है मेरे को से और किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं एक चीज और बताता हूँ इसमें स्पीकर मैंने आगे दो बेसिकली दो ट्विटर दो कॉम्पोन जो होते हैं और पीछे दो वो जो स्पीकर से रहते हैं मैं लगवाए JBL के JBL इसलिए क्योंकि मैं अवतार के भी लगवा सकता था लेकिन JBL मेरा ट्रस्टेड ब्रांड है इसीलिए और उसका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा है मैं लिटली बताता हूँ उसका आउटपुट बढ़ाने के लिए मैंने एक चीज और लगाई है वो है एम्प

जो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी इस कसलियत नेक्स ऑन की चढ़ता है तो यहाँ पे पाव लगता है यहाँ वो हर डोर पे लगी हुई है मेरे तो ये चीज़ बहुत फैक्टर था दूसरा मैंने स्पीकर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए मतलब बेसिकली साउंड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें डैम्पिंग भी कराई है और मैंने सिंगल लेयर डैम्पिंग कराई है गोल्ड डैम्पिंग तो बहुत ही अच्छे मेरे को लगता है कि उससे ना थोड़ी सी बाहर की नॉइज भी कम हो गई है तो अगर आपको चाहिए तो आप करा सकते हो गोल्ड डैम्पिंग अच्छी रहती है ट्राई करना कि गोल्ड डैम्पिंग ही कराओ सस्ती में मत जाना क्योंकि हल्का सा ज्यादा पैसे का भी डिफरेंस नहीं है लेकिन आउटपुट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है डायर भी लगवाया है जिससे क्योंकि रात में ना बड़ी दिक्कत आती कार है कार चलाते हुए अभी इसके डीआरएल ऑन है अब इसकी पहली इसकी ये फॉग लाइट ऑन होगी देखो फॉग लाइट का थ्रो देख लो आप ये देखो मैं आपको फिर से एक बार बंद करके दिखाता हूँ बंद कर अभी देखो सामने अब ये ये फॉग लाइट का थ्रो है फॉग लाइट ये देखो अब इसकी ये लो बीम ऑन होगी ये देखो दो बीम में ये अब इसकी हाई बीम वो देखो भाई साहब क्या थ्रो है भाई साहब अब देखो मैं सारे बंद कर देता हूँ सिर्फ डी आर एल सॉल्व हो जाएंगे रात में मैं बता रहा हूं इतना अच्छा थ्रो है इसका आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती ये लो बीम पे डेढ़ सौ वॉट लगाई है मैंने हाई पे नाइनटी और ये फॉग लाइट नाइनटी की है देखो तो इसमें आ, मैंने बेसिकली जितना मेरा खर्चा हुआ है टोटल मेरा खर्चा हुआ है एक लाख बीस हजार का ठीक है मैं आपको सारे अपने जितने खर्चे हुए हैं उसका सारी का लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उसमें से आपको जो जो चाहिए हो आप उसमें देख सकते हो दूसरा चीज ये कार मैंने काम कराया कहा से ये मैंने कार कर, काम कराया अपना स्काई कार है श्री रमेश नगर मैंने उनको यूट्यूब में वीडियो देखी थी उनका यूट्यूब पे चैनल है मैं नीचे उसमें लिंक डाल दूंगा उसका नेम मैं सच बताता हूँ नितिन भैया हैं नितिन ग्रोवर उन्होंने उनके उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सजेस्ट की पहले मेरी आधे घंटे में डिस्कशन हुई फिर उन्होंने मेरा ये काम करा मैं लिटरली बताता हूँ इतना अच्छा काम करा है मेरे को ना कहीं ना फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम नहीं है और कहीं ना मैं सच बताता हूँ टाटा के थ्रू कुछ आई थी कि मेरे को फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम थी उन्होंने वो भी सॉल्व करके दी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे जो जो चीज़ सजेस्ट करी उन्होंने ड्यूल टोन वाले भी उन्होंने सजेस्ट करा था क्योंकि पहले मैं सिर्फ ब्लैक और सिल्वर लगा रहा था क्योंकि हर गाड़ी में लगता है वैकनार में भी लग के आ रहा है लेकिन मैं सच बताता हूँ अब जो गाड़ी चमक के आई है ना अलग ही तो मैं उनका पूरा एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप चार्ज कराना चाहते हो उनसे काम तो करा सकते हो क्योंकि <laughs> देखो आप काफ़ी लोग करोल बाग जाते हैं जाते हैं लेकिन मेरे को ट्रस्ट का इश्यू रहता है कि करोल बाग में मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि ये ना थोड़ा चालू काम करते हैं कहते हैं ना कि एक अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं देते क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कराया था उसने मुझे यही बोला था लेकिन जब मैंने इनकी वीडियोज़ देखी हो मैं पूरा दिन छः घंटे लगते हैं कम से कम काम करने में बेस टू बनाने में मैं छः घंटे बैठा हुआ था और मेरे सामने सब चीज़ें खुली पूरी गाड़ी खुली थोड़ा अजीब सा तो लगता है जब गाड़ी खुलती है लेकिन इतना सेटिस्फैक्ट्री काम करके दिया है उन्होंने तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर रिकमेंड करूँगा मेन तो कि आप स्काई का सीरीज एक बार जाके देखो उनके रेट्स ले लो रेट्स देखो अगर आपको मैं ये बस ये कहता हूँ गाड़ी खुलवा रहे हो तो अच्छी जगह से खुलवाओ क्योंकि बाद में वो एटलीस्ट इस चीज़ की तो गारंटी ले सके कि हमने खोली तो हम सही करके देंगे उन्होंने आ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आई है मैं लिटरली बता रहा हूँ लोग कहते हैं कि करोलबाग के काम से रैटलिंग साउंड आती है मेरे को कोई रैटलिंग साउंड नहीं आ रही मेरे कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही छोटी मोटी देखो मैं बताता हूँ आप कोई भी गाड़ी लेते हो एक दो दिन आप उसे चलाओ आप कहीं से काम भी करा रहे हो छोटी मोटी जो चीज़ें आती हैं मैंने भैया को कॉल पर बता दिया था उन्होंने मेरा यूँ ठीक करा दिया क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ होती है आपकी गाड़ी में कोई नई चीज़ लगी है टेस्ट तो करनी ही पड़ेगी ना तो देखो दो दिन मैं बता रहा हूँ दो दिन मैंने गाड़ी चलाई मेरे को छोटी सी दिक्कत आई थी वो भी कुछ नहीं था कनेक्शन एक बार हमने वापस करा वो वापस हमने सेट कर दिया उसके बाद वो तो दिक्कत खत्म हो गई क्योंकि आप कोई नई चीज लगा रहे हो तो ऑब्वियसली तो उस टेस्ट तो करना ही पड़ेगा अब नई गाड़ी लेते हो वो भी तो कहते हैं एक महीने में ले आना फिर आपसे पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वही वाला सेम है तो बाकी यही था मेरा रिव्यू बाकी सारी चीजें मैं डिटेल से पूरे एक एक चीज के साथ जो चीज़ लगी है वो सारा मैं डिस्क्रप्शन में डाल दूंगा अगर मेरे पे कोई मिस हो गया होगा मतलब मैं बताने में तो तब भी वो डिस्कश्शन में होगा क्योंकि मैं बिल पढ़ा तो मैं बिल डायरेक्टली एज इट इज वहाँ डाल दूंगा ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय आय सी यू टाटा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लो अभी बहुत सारी ट्रिप्स आने वाली है आपको अच्छी लगेगी वो ट्रिप्स ए वन वाली ट्रिप्स होंगी वो भी अपनी प्यारी नेक्स्ट ऑन पे तो चलो मिलते हैं बाय सी यू टाटा